हाय, मैं नितिका। आज हम बना रहे हैं मटन हांडी। तो इसके लिए मैं और मेरे भाई जा रहे हैं मटन शॉप। तो यहाँ मटन शॉप पहुँचने के बाद हमने देखा काफ़ी भीड़ है मटन शॉप में। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने मटन लिया। मटन लेने के बाद हम जा रहे हैं हांडी खरीदने के लिए। तो हांडी ले रहे हैं, हांडी लेते लेते हमें लग गई प्यास, तो हमने पिया गन्ने का जूस। गन्ने का जूस पी के सीधे हम घर को आ गए। घर आए और मटन को धोना शुरू किए। मटन धोने के बाद हमने प्याज पतला पतला कट किया और मसाले में अदरक लहसुन हरी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च को पीस लिया और सरसों तेल को गर्म किया। प्याज को पतला पतला कट करने के बाद इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। तो इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट हम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला। गरम मसाला में है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जावित्री और गोल मिर्च। ये सब डालने के बाद हम अब इसमें डालेंगे ड्राई मसाला। तो ड्राई मसाला में हमने डाला है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाले हम प्याज में डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे और ब्लैक पेपर और जो सरसों तेल हमने गर्म किया है वो डालेंगे और हमें हाथों से सारे मसालों को प्याज में मिलाना है। जब प्याज में सारे मसाले मिल जाएंगे तब हम इसमें मटन डालेंगे। मटन डाल के भी हमें मसालों को अच्छे से मटन में मिलाना है। तो अच्छे से हमें इसे मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना है, हाथों से मसल के इसे मिलाना है। जब मटन और मसाला अच्छे से मिल जाए तब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और नमक डाल के भी हमें इसे मिलाना है। देखिए इस तरह से हमें मिलाना है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और हांडी में फिर से गरम किया हुआ सरसों तेल डालेंगे। इसे डाल के और हांडी को अच्छे से मिला लेंगे हिला के। देखिए हम सरसों तेल डाल रहे हैं गरम। अब इसे एक कपड़े से, क्योंकि हांडी भी गरम है तेल भी गरम है, तो इसमें डाल के मिला लेंगे अच्छे से कुछ इस तरह से। अब जो हमने मैरिनेट किया है मटन वो इसमें डाल देंगे। आप चाहें अगर लहसुन खाना चाहते हैं तो आप पहले लहसुन डाल दीजिएगा, उसके बाद से सारे मटन को डाल दीजिएगा। और मैंने यहाँ मीट मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो मीट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से आटे की लोई बना के हमें इस तरह से इसे कवर कर देना है कुछ इस तरह से। अब हम इसे दम देंगे, तो इसमें ढक्कन लगा देंगे, अच्छे से इसे लगा लेंगे, ढक्कन लगा देंगे इस तरह से। अब इसे हमें गैस पे चढ़ाना है और इसकी एयर निकालने के लिए हम दो स्टिक देंगे इस तरह से, इस तरह से। अब हांडी को हमें गैस पे चढ़ा देना है और दम देना है। पहले गैस में हमें चढ़ाना है थोड़ी सी तेज आंच में, उसके बाद आंच को धीमी करके हमें इसे छोड़ देना है करीब एक घंटा। पर इस बीच में आपको हिलाते रहना है हांडी को ताकि नीचे से चिपके ना। तेल का प्रयोग थोड़ा ज्यादा ही कीजिएगा क्योंकि हमें इसे मिलाना नहीं है। बस कपड़े की सहायता से हमें इस तरह से मिलाना है और इस तरह से आप चाहें तो स्टिक भी निकाल सकते हैं। थोड़ी देर बाद इसे इसका एयर निकलेगा और देखिए एक घंटे के बाद हमारा मटन बनके तैयार है और अब हम इसे सर्व करने वाले हैं। तो हमारा मटन बनके तैयार है गर्मा गर्म।
इसमें आप धनिया पत्ता से गार्निश कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और आप चावल के साथ इसे सर्व कीजिए और इंजॉय कीजिए। वाकई में बहुत टेस्टी बने थे, तो आप भी ट्राई कीजिए मटन हांडी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक।